नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलियां ट्रेन की B5 बोगी में चली है। ट्रेन में हुई गोलीबारी की इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में गोलीबारी की ये घटना सुबह लगभग 5 बजे हुई और गोली चलाने वाले रेलवे सुरक्षा बल का एक जवान बताया जा रहा है। गोली मारने वाले RPF कांस्टेबल चेतन सिंह को पकड़ लिया गया है। पश्चिमी रेलवे ने बताया कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद RPF कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी की। एक RPF ASI और 3 अन्य यात्रियों को गोली मारने के बाद आरोपी दहीसर स्टेशन के पास से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही के हथियार समेत हिरासत में ले लिया गया है। RPF IG प्रवीण सिन्हा ने घटना को लेकर बताया कि वह थोड़ा गर्म खून था, दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आपा खोने की वजह से उसने अपने सीनियर ASI टीकाराम मीना पर गोली चलाई, फिर जो दिखा उस पर गोली चला दी। थोड़ा गुस्से वाला स्वभाव का था। एक अधिकारी ने बताया कि जवान ने अपने स्वचालित हथियार से गोलियां चलाकर ट्रेन में सवार एक अन्य RPF जवान तथा 3 यात्रियों की हत्या कर दी। यह ट्रेन जयपुर से मुंबई आ रही थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से पालघर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। अधिकारी के मुताबिक चेतन कुमार चौधरी ने अपने एस्कॉर्ट ड्यूटी प्रभारित ASI टीकाराम मीना को चलती ट्रेन में गोली मार दी। उन्होंने बताया कि अपने सीनियर को गोली मारने के बाद कांस्टेबल एक अन्य बोगी में गया और उसने 3 यात्रियों को गोली मार दी। अधिकारी के अनुसार आरोपी ने मीना रोड और दहीसर के बीच ट्रेन से भागने की कोशिश की, लेकिन राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसका हथियार भी बरामद कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि बोरीवली रेलवे स्टेशन पर शवों को ट्रेन से बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि RPF का आरोपी जवान अभी मीरा रोड रेलवे पुलिस की हिरासत में है।